तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन आइए देखते हैं। कांता भाई बॉट 1.5 kg टी एंड 5 kg शुगर फ्रॉम अ शॉप। तो कांता भाई ने क्या किया है, तो 1.5 किलो जो शक्कर है, 1.5 किलो चाय पत्ती, सॉरी शक्कर नहीं चाय पत्ती, और 5 किलो शक्कर एक दुकान से खरीदी। She paid 50 rupees as a return fare for रिक्शा। और उसके बाद इतना सारा सामान था, भैया कैसे जाए, तो उसने क्या किया, ऑटो रिक्शा पकड़ लिया और ऑटो रिक्शा वाले को 50 रुपए दे दिए। अब जो टोटल एक्सपेंसेस आया, यानी चाय खरीदी, शक्कर खरीदी, 50 रुपए ऑटो वाले को दिए, और टोटल मिला के कितना वो खर्चा हुआ, तो 700 रुपए का खर्चा हुआ। देन शी रियलाइज दैट बाय ऑर्डरिंग ऑनलाइन द गुड्स कैन बी बॉट विद द फ्री होम डिलीवरी। अब उसको ऐसी आइडिया आया कि भैया अगर मैं ये करने के जगह पे जाओ वहां पर ऑटो का खर्चा करो वापस आओ, उसकी जगह पे अगर मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दी तो भैया मेरा तो सामान फुकट में आ जाएगा और मेरी मगजमारी भी बच जाएगी। ठीक, तो सो नेक्स्ट मंथ शी प्लेड ऑर्डर ऑनलाइन फॉर द 2 kg टी एंड 7 किलो शक्कर, शी पेड 880 फॉर दैट। और उसके लिए उसने कितने पे किए, 880 रुपए। अब बोला है फाइंड द रेट ऑफ शुगर एंड टी पर केजी। हमको पूछा गया है कि शक्कर और टी इसका रेट क्या है, तो हम यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। लेट रेट ऑफ शुगर शुगर इज एक्स एंड रेट ऑफ टी इज वाई। ठीक है, अब ये कितना है बच्चों, टी है 1.5 kg, यानी हम कितना लिख सकते हैं 3/2। अब ये जो है केजी है, ठीक है, अब टी का रेट कितना है, तो वो है वाई इंटू वाई प्लस 5 किलो शक्कर है और उसका रेट क्या है, तो एक्स है इंटू एक्स। अब यहां पर क्या किया उसने, 50 रुपए भी ऐड किए रिक्शा के, इजुअल 50, तो टोटल फेयर कितना आया, 700 रुपया। तो हम यहां पर लिखेंगे 3/2, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा, y प्लस 5x प्लस 50 इज इक्वल टू 700। ठीक है, अब ये कितना गया, 3/2y प्लस 5x इज इक्वल टू 700 माइनस 50। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर क्या आएगा, 3y प्लस 10x इज इक्वल टू 700 माइनस 50 कितना होता है, 650। तो 650 इंटू 2 कितना होता है, 1300। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद उसने क्या किया था, 2 kg टी खरीदा, यानी 2y प्लस 7x कितना आ गया, 880। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। ये क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे यहां पर मिल गया है 2 इक्वेशन, मैं क्या करता हूं, इसको हम क्या करेंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, राइट। अब ये कितना आएगा बच्चों, तो ये आएगा 6y प्लस 20x इज इक्वल टू 2600। और ये कितना आता है, 6y प्लस 21x इज इक्वल टू कितना आएगा, 880 गुनीले 3 कर लेते हैं, 3 6 24 25 26, कितना आता है 2640। ठीक है, माइनस 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 ये कर दिया। अब ये कितना आता है, माइनस एक्स दिख रहा है, हाँ, इज इक्वल टू माइनस 40, यानी एक्स कितना आ गया, तो एक्स आ गया 40। ठीक है, अब हमको वाई निकालना है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, इसके अंदर एक्स इज इक्वल टू 40 पुट कर देते हैं। तो ये कितना आएगा बच्चों, तो ये आएगा 3y प्लस 10 इंटू 40 इज इक्वल टू 1300। तो ये कितना आएगा, 3y प्लस 400 इज इक्वल टू 1300। तो भाई यहां पर 3y कितना आएगा, 1300 माइनस 400 इज इक्वल टू कितना आता है, 900। तो 3y कितना आ गया, तो वो आ गया 900। तो y कितना आएगा, 900 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना आता है बच्चों, 300 रुपया। भाई हमारी जो चाय पत्ती है उसका रेट क्या है, 300 रुपीज, और जो हमारी
शक्कर है उसका रेट क्या है 40 रुपया। तो इस तरह से अब हमको क्या लिखना पड़ेगा, तो रेट ऑफ शुगर इज 40 रुपीज एंड रेट ऑफ टी, अरे यार दिख ही नहीं रहे यहां पर, हाँ अब यहां पर दिखेगा, रेट ऑफ शुगर इज 40 रुपीज एंड रेट ऑफ टी इज 300 रुपीज। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।